देख ऊपर मैं सोऊंगा, आई हैव अ बैक पेन। पुष्पा जी, पुष्पा जी ये किसको अंदर डाला है? मैंने आपको बोला था मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं करूंगा। अब देखो बेड पे सोने की जिद कर रहा है, मैं नीचे नहीं सोऊंगा। इसको बताओ मैं यहाँ का सीनियर हूँ। चुप करो यार बिल्लू। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, इनको ना बस मौका चाहिए ये दिखाने का कि तुम औरतें हमारे बिना कुछ नहीं हो। एक स्टूपिड सा ऐप क्या बना लिया, वाइफ को ही भूल गए। अरे कल को घर वालों को भूल जाएंगे, माँ बाप को भूल जाएंगे, बच्चों को भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। अमा तुम्हें ऐप बनाना था तो एंटी सास ऐप क्यों नहीं बनाया? कुछ काम तो आता हमारे। हेलो मैम, मैं जो हूँ। अमा तुम जो भी हो, एक बात बताओ हमको, तुम सारे मर्द इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो अपनी बीवियों को? नहीं मैं जो जो भी हो तो मर्द ना। नहीं नहीं हो? नहीं नहीं मैं मर्द हूँ, पर मैं जो हूँ। तुम जो भी हो, सबके सब एक जैसे ही हो, इमोशनलेस, अनफेथफुल, इनसेंसिटिव। अरे मैं जो हूँ। अबे तू जो भी है अंदर जगह नहीं मिलेगी, दिस इज माय प्लेस। शांति रख, ऊपर फिर भी मैं सोऊंगा। अबे तेरी तो मैं। अरे देखिए भाई साहब, मुझे कुछ नहीं कर। एक बात बता रहे हैं हम तुमको, तुम जो हो वही रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो, समझे ना बेटा। एक बार हम औरतों ने तुम मर्दों को पति परमेश्वर क्या बोल दिया, खुद को साक्षात परमेश्वर समझने लगे। अरे यार ये थाना है पागल खाना, कैसे लोग भाई से भर्ती कर रखे हैं आपने? देखिए मेरा नाम जो है, जैसे आप करिश्मा हैं और आप पुष्पा हैं और आप क्या संतोष और आप चीता चेतेश्वर। अरे मेरे चेतेश्वर प्रभु, मेरा नाम है जो जैकब। ये देखिए dulhan.com से आया हूँ, ये हसीना जी का वेरिफिकेशन करना था। अमा तो फिर ऐसे बोलो ना, कब से बस मैं जो हूँ बोले जा रहे हो, जो है सो है, बोलो। हम ही है हसीना मलिक। अरे हसीना जी, माइसेल्फ जो, बात हुई थी आपसे dulhan.com से। जी जी एक मिनट। पुष्पा जी। जी मैडम सर। इस मोंटी के मसले के बारे में जरा सोचिए, फिलहाल ये मसला ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम ये मसला निपटा कर आते हैं। जी मैडम सर, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम देख लेंगे इस मोंटी को। चल संतु। ऐसे कैसे चलू पुष्पा जी, अभी आपने मुझसे कहा ना ये सब चक्करों में नहीं पड़ना, मैडम सर ने पंगा लिया तो मैडम सर ही जाने। अब मजाक कुछ भी याद रखती हो तुम, भूल जाओ। आप इत्मीनान से जाइए इनके साथ, हम है ना, हम देखते हैं। आइए। चलिए मैडम। कुछ भी भगती हो तुम, चल अब चलो। अरे क्यों हारने की इतनी कोशिश कर रही है करिश्मा जी। अरे पुष्पा जी आइए आइए। तो बताइए मिली कोई ऐसी चीज जो सिर्फ बीविया कर सकती है और मेरा ऐप नहीं? मिली। एक ऐसी चीज मिली है जो सिर्फ एक बीवी कर सकती है, तुम्हारा ये टुच्चा सा ऐप नहीं। वाह पुष्पा जी, फिर बैंड बज गई, चल चल निकल निकल। रुक। ऐसी क्या चीज है वो पुष्पा जी? ख्याल। एक बीवी जिस तरीके से अपने पति का ख्याल रख सकती है, एक ऐप कभी नहीं रख सकता। इसलिए अपनी हार चुपचाप मान लो बेटा और यहां से चलते बनो, अपनी बीवी को अपने साथ घर लेके जाओ। जाओ। रिलैक्स, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हे अप्सरा। हेलो सर। सो टेल मी हाउ आर यू टुडे? I'm good, sir. How are you, sir? I'm good. So, Appsara, मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरा ख्याल रखती हो? Of course, मैं आपका ख्याल रखती हूँ, sir. अच्छा? तो Appsara मुझे ये बताओ कि आज तुमने मेरा ख्याल रखने के लिए क्या किया? आज आपकी आवाज़ में सर्दी का आभास हुआ, इसलिए मैंने आपके लिए मेडिसिन ऑर्डर कर दी हैं। सुबह से चिकन रिलेटेड गाने गा रहे थे तो मुझे लगा शायद आज आपका चिकन खाने का मूड है, इसलिए आपके लिए चिकन ऑर्डर कर दिया है। आज आपको लॉकअप में रहना है तो आपके लिए मॉस्किटो रिपेलेंट भी ऑर्डर कर दिया है। ऑर्डर पहुंच चुका है। थैंक यू अप्सरा। माय प्लेजर सर। We'll be right back.
चीते अभी तक ऐप लॉन्च नहीं हुआ है। बाय। ओह, वाव। मैं अपनी बीबी से इतना कुछ मांगता तो मुझे जिंदा दफन कर देती। हंसते यार। ये मोंटी शर्मा कौन है? उसका ऑर्डर है ये। हाँ इधर इधर उधर रखी। हाँ रखो रखो अपना ही है। तो बताइए आंटी जी। आंटी आंटी जी पुष्पा जी को आंटी जी बोला। करिश्मा जी बंदूक दो इधर ही ठोक देता हूँ मैं इसको। दे दो दे दो दे दो ले आ, आ, ले 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 छोड़ो छोड़ो ले ले ना बंदूक ले। किधर गया तेरा भाईचारा अभी? अरे पुष्पा जी अपनी है ना। तो बताइए पुष्पा जी है कोई ऐसी बीवी जो मेरा इतना ख्याल रख सके? नहीं शायद होती भी होगी पता नहीं, पर क्या वो मेरे इस ऐप की तरह बिना किसी कंप्लेंट के जजमेंट रूठना मनाना ताने झगड़े या फिर लाखों के शॉपिंग के बिना वो कर सकती है? अरे गुड़ मगज यही तो जिंदगी। ये शिकायतें रूठना मनाना उम्मीदें नाराजगी यही तो एहसास होता है रिश्तों का। अगर यही नहीं रहेंगे तो क्या मतलब है जिंदगी का? ये जो तुम्हारा ऐप है ना ये खाना ऑर्डर कर सकता है मगर अपने हाथों से नरम नरम रोटियां नहीं सेक सकता। तुम्हारा ये ऐप मकान साफ रखवा सकता है मगर उस मकान को घर नहीं बना सकता। हाँ तुम्हारा ये ऐप शादी जरूर करा सकता है मगर प्यार के दो मीठे बोल बोल सकता है। पुष्पा जी hey, क्या कर रहे हो तुम? आप स्त्री नहीं हो hey? महास्त्री हो। अरे भाई साहब माई सेल्फ जो आपके ऐप पर डीलरशिप मिलेगा क्या? अरे एक्सक्यूज मी आप यहाँ हमारे प्रोफाइल के वेरिफिकेशन के लिए हैं, आप ये सब क्या कर रहे हैं? अरे मैम बाढ़ में गई वेरिफिकेशन, मुझे जॉब करनी ही नहीं है। भाई साहब प्लीज डीलरशिप दीजिए ना, आज से आपके ऐप की डीलरशिप चालू। मिलेगी लेकिन कुछ घंटों के बाद। डन। क्या पुष्पा जी बड़ा आसान लग रहा था आपको ये मोंटी के चैलेंज का जवाब देना कि तो बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। क्या हुआ पुष्पा जी ऐसी क्यों शक्ल बनाई है? क्लियर तो करो खुश हो या सैड? दोनों हैं संतु, दुखी इसलिए हैं अगर ऐसा ही रहा ना तो बहुत जल्द दुनिया में कितनी सारी बीवियां बदली कर दी जाएगी। और खुश क्यों? उनमें से एक ये भी तो होगी हमारी प्यारी बहू रानी, ये जो भोकाल मचा रखा है ना सारी हेकड़ी उतर जाएगी जब लल्ला इसे घर से बाहर निकाल देगा। हमको तो लगता है हमको तो बहुत मजा आने वाला है। कुछ भी कहो सारी बीवियों की आफत आ ही गई। कैसी होती है ना सास? मेरा मतलब है बहुत अच्छी होती है सास। मैडम आप परेशान हो क्या? अम्मा हम परेशान है मैडम सर के तरीकों से। ये बात बोले ना शैतान के कान में भजन गाने का क्या मतलब है भाई? पहले जज्बातों के समोसे तले जाएंगे फिर बातों के पकोड़े खिलाए जाएंगे फिर जाके किसी नतीजे पे आएंगे। दो घंटे मिल जाए हमें वो आरती उतारेंगे ससुरे की खुद ही कहेगा दरोगा जी देखे बहुत पर तुम सा नहीं देखा। धुमकता हुआ लेके जाएगा अपनी बीवी को बताए रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो बात है ना ये ऐप की बात ये टॉप सीक्रेट है किसी को पता नहीं चलना चाहिए पुष्पा जी किसी को पता नहीं चलना चाहिए समझिए। का बात है मुस्कुरा कह रही है? नहीं सब समझ रहे हैं हम। समझे में नहीं आता है का करते रहते हैं। सब समझ गए हम। चीता चतुर्वेदी जी हमारे वुमेन साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट जी बताइए ऐसी कोई चीज जो सिर्फ बीवी कर सकती है लेकिन ऐप नहीं कर सकता? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैडम जो सिर्फ बीवी कर सके ऐप ना कर सके। जैसे शक बीवी कर सके ऐप तो कर नहीं पाएगा।
मेकअप, बीवी सुबह मेकअप करके कछु और नजर आवे और रात को जब मेकअप धोकर के आएगी तो कछु और दिखेगी। सब्जी वाले के पास थे फ्री को धनियों, सिर्फ बीवी ही ला पाएगी, ऐप नहीं ला पाएगा। और ऐप को कहे एक उंगली पे बाकू ऐसा खच 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 करके ऑपरेट कर लो, लेकिन बीवी अपनी एक उंगली पे जिंदगी भर अपने पति को ना चाहे। बेचारा हमारा लल्ला। अरे वाह मैडम सर, डिस्कशन चल रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम सर शायद आप भूल गई कि हमारे बीच डील क्या हुई थी। डील ये थी कि इस थाने से निकलने वाली हर खबर पे पहला हक सनी चड्डा का होगा, पर आपने तो धोखा दे दिया। कौन टोपा बोला तुम्हें यहाँ पे कोई खबर है? यही टोपा है, खुद ही खुद को बोल रहा होगा। मैंने कहा था आप शायद अपना चैलेंज भूल गई है मैडम। मैंने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो आप मीडिया के सामने इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि मैं सही हूँ और मेरा ये ऐप ऐप जारा बीवियों से ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे बुलाया ताकि ये आपका और मेरा इंटरव्यू ले सके और आप अपने वादे को पूरा कर पाए। अरे जियो मेरे लाल, क्या खबर दी है यार, मजा आ गया। और मैंने तो हेडलाइन भी सोच ली है। क्या सोचा है चड्डे? ऐप बनी सौतन, बिन फेरे हम तेरे, है ना कमार? चल यार तुम्हारे इंटरव्यू से शुरू करता हूँ। हाँ, मैं भी एक मिनट। स्माइल करना, स्माइल करना। अभी 24 घंटे खत्म नहीं हुए, तुम ये इंटरव्यू नहीं ले सकते। कोई बात नहीं मैडम सर, वेट कर लेते हैं, उसमें क्या है। पर आपको एक बात बताऊं, माइंड मत करना प्लीज। अभी नहीं तो कुछ घंटे बाद ये खबर तो छपेगी, ऐसी मेरी पर्सनल गट फीलिंग है। जो मंजिल को पाने की ख्वाहिश रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। ये खबर नहीं छपेगी। वाह क्या बात, कुछ भी बोलो, आप पे कॉन्फिडेंस बहुत जचता है। ठीक है मैडम सर, अभी तो चलता हूं लेकिन कुछ घंटे बाद मिलते हैं। कहा है संतोष जी, सर में दर्द है रोए का। कैसे है सके सर में कछु है ही ना, तो दर्द कैसे है सके? क्या नहीं मतलब, हम कह रहे थे संतोष जी अगर सर में दर्द है तो अदरक का गच गचा के चाय मंगवा लो एक मलाई मार के, 1/2 में तो हम भी एडजस्ट कर लेंगे। हर सर दर्द का इलाज गच गचा के अदरक वाली चाय नहीं होती आलसियों के ब्रांड एम्बेसडर। रिस्पॉन्सिबिलिटी और टेंशन नाम की भी कोई चीज होती है। वहाँ सोना का घर टूट रहा है, यहाँ उसके पति को हराने का कोई आइडिया नहीं सूझ रहा। पर तुम्हें क्या है, तुम चिल करो, तुम टेंशन मत लो। तो हम क्यों लेंगे टेंशन? और ये छोटी सी बाली सी उम्र में आप भी मत लो टेंशन, अभी शादी करनी बाकी है, बच्चा करने बाकी है। नहीं मतलब हम कह रहे थे कि छोटी सी उम्र में टेंशन लेके अपने फोटो पे फूलन को हार थोड़ी चढ़वाना है। और वैसे भी यह सोना के चक्कर में अपनी हसीना मैडम तो हो रखी है इमोशनल और करिश्मा मैडम हो रखी है पर्सनल, हम क्यों एक्स्ट्रा लोड लेंगे बताओ। अरे मैडम सर है ना, या फजी हत्ते बाहर निकलने को कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगी, आप भी टेंशन मत लो। अच्छा एक बात बताओ, चाय मंगवा लें अब तो, है ना? कुछ कीजिए मैडम सर, वरना बीवियां तो इतिहास बनकर रह जाएंगी। अरे हम तो कहते हैं इस ऐप को ही तोड़ डालते हैं मैडम सर। ये ऐप है हड्डी नहीं जो आप तोड़ देंगे, हमें ऐप को नहीं उसके पीछे की सोच को तोड़ना है। वाह, अरे हम तो कहते हैं इस मोंटी को ही तोड़ डालते हैं, 2 मिनट में केस रफा दफा। हमने कितनी बार कहा है कि हमें ये गुंडागर्दी के तरीके बिल्कुल नहीं पसंद। हम तरीकों में नहीं मैडम सर, हम नतीजे में विश्वास रखते हैं। इस तरीके से चलेंगे ना तो फरियाद ही खुद फरियाद बन के रह जाएगा। हमारे यहाँ तो जिसका लाठी उसकी भाई सब ताबड़तोड़। ताबड़तोड़ लिए गए फैसलों पर अक्सर पछताना पड़ता है। देर से मिला इंसाफ भी तो ना इंसाफी कहलाता है मैडम सर। हमारा मकसद जुर्म खत्म करना है, मुजरिम को नहीं। जुर्म खत्म, मुजरिम खत्म, वही हम कह रहे हैं, मुजरिम खत्म, जुर्म खत्म। एक मिनट मैडम सर, पर दोनों बातें हैं तो एक ही ना।
महिला पुलिस थाना है हमारा, यहाँ आने वाला हर केस जज्बातों से सुना जाएगा, इसलिए आप अपने हाथ पैरों की जबान को तमीज के दायरे में रखेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन जज्बातों की बातें इंसान समझते हैं, ये मोंटिया जैसे अकल के बहरे और ये सनिया जैसे लुटेरे नहीं। इस तरीके से तो ना मैडम सर, आप केस सॉल्व नहीं कर पाइएगा। करेंगे, हम साबित करके दिखाएंगे कि कोई केस कितना ही उलझा क्यों ना हो, हल होगा जज्बातों से। ट्राई करके देख लियो मैडम, आखिरकार तो आप हारेंगी ही। देखते देखते मैडम सर। नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकती। देखो तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर तुम अपने पति को हराना चाहती हो, उनको गलत साबित करना चाहती हो, तो तुम्हें करना ही होगा। और वैसे भी क्या करना है, अपने ही पति के सामने सिर्फ डांस परफॉर्मेंस ही तो करना है। लेकिन देखो बहुत बढ़िया, नवाब साहब के बुजुर्गों की आत्मा कितनी खुश होगी कि उनकी इस हवेली में मुजरे की परंपरा परवान चढ़ रही है। तजुर्बा कहता है हमारा कि सही काम करने के लिए कोई भी रास्ता गलत नहीं होता। अगर ऐसा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इनका घर बच रहा है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। संतोष शर्मा, यस मैडम सर। ध्यान रहे कि अंदर कोई भी नहीं आ पाए, चीता और वो रिपोर्टर सनी तो बिल्कुल नहीं। यस मैडम सर। और चीते चतुर्वेदी, क्या हाल है? ये रखिए तुम्हारी चाय, पी लो, और कुछ चाहिए तो बता देना। चीते देखो मैडम सर ने मैडम सर की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। चीते तू पागल है क्या, ऐसे चाय पीता है कोई? चाय पी रहा है कि खेत में ट्रैक्टर चला रहा है? सीख सनी से कुछ सीख, कैसे चाय पी रहा है वो, कितने सोबरली चाय पी रहा है, खुद को देख तू। मैडम सर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है ये कि जब तक वो ना कहे तब तक कोई भी मर्द अंदर नहीं आएगा। अरे पर हम तो आ सके, तू मर्द नहीं है। ए! तो फिर यहीं पर है। अरे सुनिए ना, वैसे अंदर चल क्या रहा है, क्या छुपाया जा रहा है हमसे? मुझे नहीं पता। देखिए खूबसूरत चेहरों पर झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बताइए ना क्या हो रहा है। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। पता तो आपको है पर आप बताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, हमारा और काम ही क्या है। हाय, ये मासूमियत। और चाय के पैसे? अबे शक्ल देख के बात कर, मुझे देख के लगता है कि मैंने कभी भी किसी को भी कहीं पे भी पैसे दिए होंगे। नहीं ना, तो बस फिर ये बैठा है घायल आशिक, ले ले इसे। वो चाय और गिलास के पैसे कौन तुम्हारी मौसी देगी? मैडम सर कैश नहीं दे रहे है। पागल है क्या भाई, ये तू अपना पकड़। मैडम सर क्या करिश्मा मैडम एकदम कड़क डांस किया है। हो गया तुम लोगों का नौटंकी। डबल रोल, आज तो मैं पिया भी नहीं। हे भगवान, दो दो बहू, एक को नहीं संभाला जा रहा है मैडम सर, दो दो को कैसे संभाले हम? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।